हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ और इन फैक्ट्स को आप ध्यान से सुने। वीडियो के लास्ट में आपसे इन्हीं फैक्ट में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर एज ए कमेंट देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोबरा नाम का एक पेड़ है, जो कभी कोई मनुष्य इसके करीब जाता है तो इसकी शाखाएं उसे जकड़ लेती हैं और तब तक नहीं छोड़ती कि जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती। अगला फैक्ट हमारा ये है कि पढ़ना और सपने देखना हमारे दिमाग की अलग अलग भागों की क्रियाएं हैं और इसी कारण से हम सपने में पढ़ नहीं पाते। है ना इंटरेस्टिंग। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और इसे चतुरंग संस्कृत के अंदर कहा जाता था। फिश को कैंसर नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती बल्कि कार्टिलेज होता है, इसी कारण वे कैंसर से बची रहती हैं। और अगला हमारा फैक्ट है, जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चे के लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट रहती है। है ना इंटरेस्टिंग। क्या आप ये जानते थे? जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी लचीली हड्डियां गुरुत्वबल की गैर मौजूदगी के कारण फैलने लगती हैं। इंसान की आंखों का आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा रहता है, जबकि नाक कान आंख तो हम खैर पहले बोल चुके हैं, नाक कान का आकार परिवर्तन होता रहता है। जापान में वे अमेरिका के बाद भारत एक तीसरा देश है जिसे अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। अरबी ऊंट को एक कुबड़ होता है, जबकि मध्य एशिया के जंगली बैक्टीरियन ऊंटों में 2 कुबड़ होते हैं। कनाडा की यंग स्ट्रीट विश्व की सबसे लंबी गली है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1896 किलोमीटर है। घोड़ों में नर या मादा का पता उसके दांतों के द्वारा भी लगाया जा सकता है। अधिकतर घोड़ों के 40 दांत होते हैं, जबकि घोड़ियों के 36 दांत होते हैं। एक नींबू में स्ट्रॉबेरी से भी अधिक शुगर होती है। जब एक नवजात शिशु रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि उस समय उसकी अश्रु ग्रंथियां विकसित नहीं हुई होती। स्वीडन में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है, जिसे ओल्ड तजिको कहा जाता है। इसकी खोज भूविज्ञानी कुल्पमन ने की थी और यह तकरीबन 9400 साल पुराना है। आपके पेट में एक दूसरा दिमाग भी होता है, जिसे एंट्रेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में कही जाने वाली लाइन गट फीलिंग भी आती है। तो अब समय है आज के क्वेश्चन का। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो उनकी हाइट कितने इंच तक बढ़ जाती है? आप इसे कमेंट में बताएं। और अगर आपको फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।